हेलो एलेवेंथ क्लास, मैं अभिषेक सर। तो सेट्स का एक वीडियो आप लोगों तक पहुंच चुका है, बहुत सारे बच्चों ने देखा भी, जिसके अंदर मैंने प्रूव दैट वाले दो लॉ को कराया था। और पहला लॉ था हमारा, जिसको कि हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे, और सेकेंड लॉ मैंने कराया था उसी वीडियो के अंदर है ये चीज़, जिसको कि हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते थे। ये दो लॉ को आप लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत सारे स्कूल में इनका प्रूफ नहीं आता, बट ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां इनका प्रूफ आता है। अगर वेन डायग्राम से आता है वो तो बहुत ही आसान है, हर बच्चा कर पाता है, बट विदाउट वेन डायग्राम करने में बच्चों को परेशानी होती है। तो आज का जो हमारा लॉ स्टार्ट होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान लॉ है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बंटन नियम या वितरण लॉ कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और ये लॉ हमारा बहुत ही आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, चीज़ों को बांट देना होता है। तो बेसिकली ये लॉ होता क्या है, अगर आपके पास ऐसा केस हो किसी भी एक सेट का यूनियन दो सेट के इंटरसेक्शन के साथ फाइंड करना हो, तो क्या होता है, ये हो जाता है हमारा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मेरी बात को आप ध्यान से समझना, ए का यूनियन बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ निकालना था, तो ए का यूनियन बी के साथ किया, और जो बीच वाला साइन हमारा रहता है वो वैसा ही रहेगा, और फिर ए का यूनियन सी के साथ किया, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी का दूसरा पार्ट कैसा होगा, अगर आप यूनियन के साइन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दो, जहां भी यूनियन है वहां इंटरसेक्शन, तो कुछ नहीं करना है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और बीच वाला साइन हमारा एज इट इज, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इस लॉ को प्रूफ कैसे किया जाएगा, एक पार्ट मैं करवाऊंगा, अगला पार्ट आप लोग खुद करोगे। तो बिल्कुल वैसे बच्चे जिन्होंने इससे पहले का प्रूफ दैट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, उनको बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। तो प्लीज पहले वो वाला वीडियो आप देख लें, जिसके अंदर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो लॉ को मैंने प्रूव करना सिखाया है, तभी आपको ये समझ ज्यादा अच्छे से आएगा। तो वैसे बच्चे जो फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या करते थे हम लोग, लेट एक्स बिलोंग्स टू, जो हमारा LHS वाला पार्ट है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, कुछ नहीं करना है इसको, बिल्कुल इसके बारे में लिखना है, और RHS का ध्यान हमेशा रखना है आपको। तो ये क्या होगा हमारा, x belongs to A and union को हम लोग बोल सकते हैं, और x belongs to B intersection C, union को हम लोग और बोल सकते हैं। तो union की place पर हम लोगों ने क्या लिखा, और लिखा। चलिए आगे चलते हैं, सबसे पहले हम लोगों को bracket वाला काम करना होगा। तो ये हो जाएगा x belongs to A और यहाँ जो हमारे पास x belongs to B intersection C है, इसको आप ब्रैकेट में लिखो x belongs to B, और इंटरसेक्शन के बदले आपको लिखना है एंड x belongs to C, इतनी सी बात है, ये आपको पता है। अब RHS को ध्यान से देखना, तो RHS में मैं देख रहा हूँ A के साथ B को लाना है और A के साथ C को लाना है, बीच में हमारा इंटरसेक्शन का साइन होगा, बिल्कुल, यानी AB और AC ये पेयर हमारा फॉर्म होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, A के साथ B को लाने जा रहा हूँ, A के साथ B को, तो मैं यहाँ लिखूंगा x belongs to A और x belongs to B। इतना लिखने के बाद अब मैं देख रहा हूँ ये एंड वाला हमारा एज इट इज, एंड को रहने दिया यहाँ, फिर वापस चलूंगा मैं A के साथ अब C को लेना है, A के साथ अब C को लेना है, इससे पहले A के साथ B को लिया, अब A के साथ हम लोग C को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x belongs to A और x belongs to C, x belongs to A और x belongs to C। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, A के साथ A और B आप एक साथ चल रहे थे, एंड वाला साइन हमारा यहाँ है, फिर आप A और C को एक साथ लोगे, जो कि है मैंने यहाँ लिखा, बिल्कुल आप अपने रिजल्ट तक पहुँच चुके हो, बस इसको सिंबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x belongs to A और x belongs to B का मतलब A और का मतलब यूनियन, A यूनियन B, एंड और यहाँ हमारा हो गया x belongs to A और C का मतलब A union C, और इस दोनों को एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो x belongs to A union B
एंड इस इंटरसेक्शन के बारे में एंड बोलो या एंड के बारे में इंटरसेक्शन बोलो, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हमारा पार्ट वन। तो पहले वाले वीडियो में मैंने सिखाया था आप लेफ्ट हैंड साइड से जैसे ही आरएचएस के पार्ट में गए वापस आप एक न्यू एलिमेंट को लेट करना और नीचे से ऊपर चलना, एक तरीका मैं बताया आपको। इससे क्या है कि आपको थोड़ी सी आसानी इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल मदद मिलेगी। और तो क्या सिखाया था, वापस आपने क्या लेट करना है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, वापस आपको लेट कर लेना यहाँ से लेट y belongs to, बिल्कुल अब मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ चलता जाऊंगा और जहां जहां x लिखा है वहां वहां y लिखता जाऊंगा। तो y belongs to a union b intersection a union c, पहले का वीडियो आप देख चुके हो तो बिल्कुल आपको ये समझ आएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये लिखना है x belongs to है ना मेरे पास, मैं यहाँ लिखूंगा y belongs to a union b and intersection के बारे में and, और ये हो जाएगा जी y belongs to A union C। ये कोई तरीका नहीं है, मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ जिससे अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने में अपने दिमाग को यूज किया तो राइट से LHS जाने में आपको थोड़ा सा कम दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि बिल्कुल यहाँ कट कॉपी और पेस्ट वाली बात चल रही है। अब मैं थर्ड स्टेप को लिखने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा हमारा Y belongs to A और Y belongs to B, ठीक है ना, एंड इसके बारे में क्या लिखना है, ये लिखना है Y belongs to A और Y belongs to C। ये वाला स्टेप कॉपी कर दिया, इससे ऊपर वाला जो है अब इसकी बारी है, तो क्या हो जाएगा Y belongs to A, यहाँ भी है मेरे पास Y belongs to A, यहाँ भी है मेरे पास Y belongs to A, मैं लिखूंगा Y belongs to A, वापस आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, और लिखना है, और तो और लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर में है Y belongs to B एंड Y belongs to C, Y belongs to B एंड Y belongs to C, वापस आप देख सकते हो इस वाले स्टेप को कॉपी किया हम लोगों ने y belongs to a और y belongs to b and y belongs to c। फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया जी y belongs to a, y belongs to a और इसका मतलब हो गया y belongs to b and c का मतलब b intersection c, और दोनों को कंबाइंड फॉर्म में आप लिखोगे y belongs to a union b intersection c। ये आपका आ गया LHS वाला पार्ट, ये देख लो a union b intersection c, A union B intersection C। तो यहां तक पहुंच गए, इसको लिखा सेकंड और लास्ट में वही पहले की तरह, बिल्कुल आसान है। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर आपको ये बिल्कुल नहीं आएगा समझ, अगर आपने वो देखा होगा तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया A union B intersection A union C के। और बच्चों जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो इसका सेकेंड पार्ट है, यहाँ देखो आप, आपके पास जो ये सेकेंड वाला पार्ट है इसको आप खुद से करोगे, नहीं होता है तो मुझे कमेंट करो, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूट्यूब पर तो हर क्लास के 9th और 10th 11th 12th हर क्लास के 8th क्लास तक के भी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप किसी भी क्लास के बारे में बिल्कुल सिस्टमेटिक एनसीईआरटी से लेके हॉट से लेके एग्जाम्पलर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो प्लीज मेरे ऐप जिसका नाम सब कुछ पढ़ो है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे ऐप का नाम है, आप डाउनलोड करो, आपको वहाँ क्लास वाइज हर चीज मिलेगा। कोई वैसा टॉपिक जो आपको नहीं दिखता आप वहाँ मैसेज ड्रॉप करो, बहुत जल्दी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने यार दोस्तों के बीच इसको जरूर फैलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।